नमस्कार, वीएमआर भारत टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हुआ लागू, शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। गाजीपुर में एक ही बाइक पर सवार थे पति पत्नी और चार बच्चे, पुलिसकर्मी ने काटा चालान। अयोध्या में दो मंजिला होगा राम मंदिर, मंदिर में होंगे 106 खंभे और 5 प्रवेश द्वार। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाने के बाद राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। महाराष्ट्र में जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा तो शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। शिवसेना की ओर से अभी सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के द्वारा अधिक समय नहीं दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। हालांकि राष्ट्रपति शासन लगने के खिलाफ शिवसेना एक और याचिका दायर कर सकती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के 44 विधायक जो पिछले कुछ दिनों से जयपुर में रुके हुए थे, वह आज वापस महाराष्ट्र रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के भविष्य निधि घोटाले में फरार चल रहे ब्रोकर अभिनय गुप्ता ने कल शाम ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचकर सरेंडर कर दिया। अभिनव गुप्ता पहले ही गिरफ्तार पीएफ ट्रस्ट के सचिव पीके गुप्ता का बेटा है। कहा जा रहा है कि अभिनव गुप्ता की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पिता की गिरफ्तारी के बाद से ही ईओडब्ल्यू अभिनव गुप्ता से पूछताछ के लिए लगातार नोटिस जारी कर रही थी। इतना ही नहीं, नोएडा पुलिस भी उसकी तलाश में दबिश दे रही थी, लेकिन उसने खुद ब खुद ईओडब्ल्यू के ऑफिस पहुंचकर सरेंडर कर दिया। गाजीपुर में यातायात माह के अंतर्गत चलाए जा रहे जागरूकता और चेकिंग अभियान के दौरान पुलिसकर्मी उस वक्त हैरान रह गए जब एक ही बाइक पर पति पत्नी और चार बच्चों वाला पूरा परिवार सफर करते हुए मिला। एक बाइक पर 6 लोगों को सफर करता देख मौके पर भीड़ जमा हो गई। हालांकि पुलिस ने तो चालान काटते हुए विधिक कार्रवाई की, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जान जोखिम में डालकर सफर करने की जरूरत है क्या? आपको बता दें कि यातायात माह के दौरान यातायात नियमों के पालन के लिए पुलिस द्वारा लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन की सलाह दी जाती है, तो वहीं यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उधर नई दिल्ली में देश की राजधानी नई दिल्ली समेत पूरे एनसीआर प्रदूषण का स्तर आज फिर बढ़ गया है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 इलाके में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 458 रहा, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों की सांसों पर जहरीला संकट मंडराने लगा है। प्रदूषण का स्तर आज इमरजेंसी की कैटेगरी तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि सुबह सुबह ही लोधी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 दर्ज किया गया है। दशकों पुराने राम मंदिर जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से अब राम मंदिर निर्माण को लेकर कवायद शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां केंद्र सरकार राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने में जुट गई है, तो वहीं भव्य राम मंदिर के स्वरूप को लेकर भी चर्चा हो रही है। करीब 30 साल पहले राम मंदिर का मॉडल देश के सामने पेश करने वाले जाने माने मंदिर आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा के मुताबिक ये मंदिर दुनिया के सबसे भव्य मंदिरों में से एक होगा। इतना ही नहीं, यह दुनिया का पहला मंदिर होगा जो 2 मंजिला इमारत होगा। बिहार के कैमूर में भूमि विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें 9 लोगों को गोली लगी है। मामला आपसी विवाद के बाद झड़प में बढ़ा और इसके बाद दोनों पक्ष की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 18 लोग घायल हो गए, जिसमें से 9 लोगों को गोली लगी। मामला जिले के नुआव थाना के सातो रेवती गांव का है। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस ने गांव में पहुंचकर मामले को शांत करवाया। इस मामले में कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी हुई। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर बिहार के 6 मजदूरों की ओमान में सुरंग में पानी भरने से दर्दनाक मौत से लोगों में हड़कंप मच गया।
इस भीषण हादसे में गोपालगंज दो और सीवान के चार मजदूर शामिल है। बताया जा रहा है कि ये सभी ओमान की शहीद अल सेबी कंपनी में पाइपलाइन बिछाने के दौरान हादसे के शिकार हुए हैं। इस घटना के बाद मृतकों के परिजन शव को वतन वापस लाने के साथ सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बांका में एक माह पूर्व दोनों अपराधियों ने घर लौटते समय चितरंजन सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी थी और उनसे करीब 5.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। घटना के बाद एसपी अरविंद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने उन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। जिस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया, दोनों शातिर अपराधी बोसी थाना इलाके के मंदार में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस को उम्मीद है कि दोनों की गिरफ्तारी से कई मामलों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस अन्य दूसरे जिलों से दोनों के आपराधिक इतिहास की जानकारी एकत्रित करने की बात कह रही है। पुलिस अधीक्षक दोनों अपराधियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने की बात कह रहे हैं। बस्सी क्षेत्र के बेनाड़ा सिद्धपीठ कल्याण जी महाराज के मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने कल्याण जी महाराज के दर्शन किए। इसके बाद कल्याण जी महाराज के मंदिर में 56 भोग की आकर्षक झांकी सजाई गई। इसके बाद अंकुट का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। उधर बस्सी के बांसको कस्बे में धरना प्रदर्शन स्थल पर गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई गई। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 12 दिन से जारी है जिसमें 28 सदस्य भूख हड़ताल पर है। इस दौरान बस्सी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवल किशोर व्यास ने जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि बांसको को पंचायत समिति बनाने की सफलता जरूर मिलेगी। उधर शाहपुरा में सैन समाज वैवाहिक सेवा समिति के द्वारा आज अष्टम सामूहिक विवाह सम्मेलन त्रिवेणी धाम शाहपुरा विराटनगर जयपुर में आयोजित किया गया जिसमें सैन समाज के 15 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। इस मौके पर अध्यक्ष मोहन लाल सैन आतेला, घनश्याम सैन अध्यक्ष, मंत्री श्याम लाल सैनी तो वहीं कोषाध्यक्ष संतोष कुमार सैन, संरक्षक डॉक्टर मूल शंकर नापित, चंदन शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा के तेरापंथ सभा भवन में तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की तरफ से मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें 45 मेधावी छात्र छात्राओं सहित समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का भी सम्मान किया गया। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के अध्यक्ष भैरू लाल बाफना ने बताया कि समाज के छात्र छात्राओं में शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है जिसमें 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 45 विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार स्थानीय तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम भीलवाड़ा की ओर से आज तेरापंथ सभा भवन में साधु श्री साधना श्री जी और डॉक्टर संपूर्ण ईसा जी के सानिध्य में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया जिसमें 45 छात्र छात्राओं को ये उन्होंने जो 85% से ऊपर प्राप्त किए हैं उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा कुछ TPF के नए मेम्बर्स बने उनका भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि SP साहब हरेंद्र जी महावर और मैडम सुधा जी महावर थे। उन्होंने अपने प्रवचन में या उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि बच्चों को मेधावी बनकर राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और उनको ऐसा दृष्टिकोण बनाना चाहिए कि वे अपने करियर को बहुत अच्छा ऊँचा बनाकर राष्ट्र की और समाज की सेवा। उधर बाड़मेर के समदड़ी के निकटवर्ती जगत गुरु निम्बारकाचार्य महाराज 5105वीं जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई जिसमें वैष्णव समाज छात्रावास भवन में निम्बारकाचार्य जी महाराज को पुष्प अर्पित कर दीप जलाकर उनकी आरती की गई। तो वहीं कार्यक्रम में शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई है।
इस दौरान कमेटी अध्यक्ष चंपा दास, शुभ दंड, मुख्य अतिथि मोहनदास जानियाना आदि मौजूद रहे। उधर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी कि एसएमएस में मरीज और उनके परिजनों को अब इलाज से पहले ब्लैक बाउंसर से होकर गुजरना पड़ेगा। जी हां, एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं को लेकर ट्रोमा में आने वाले जरूरतमंद, बेबस और आर्थिक तौर पर कमजोर मरीजों को अब अंदर जाने से पहले इन बाउंसर से परमिशन लेनी होगी। दरअसल एसएमएस अस्पताल में आए दिन रेजिडेंट्स के साथ होने वाली मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था में नाक प्रशासन ने अपनी कमी छुपाने के लिए अब प्राइवेट बाउंसर्स का सहारा लिया है। संभवतः ऐसा पहली बार होगा जब किसी सरकारी अस्पताल में निजी बाउंसर्स को सुरक्षा के लिए बुलाया गया है। और फिलहाल सुप्रभात भारत में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी। और मुझे यानी कि अंकित माथुर को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।